इस एग्रीमेंट में इंडिया ने इंक्लूड किया है अराउंड 310 ऐसे आइटम जो इंडिया अब मॉरिशियस को एक्सपोर्ट कर पाएगा एट अ चीपर रेट। अब इन आइटम्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी मॉरिशियस में वो लगेगी बहुत ज़्यादा कम। और ये जो आइटम्स है ये ऐसे ही कोई आइटम नहीं है, ये वो आइटम है जो कि उनके GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं मॉरिशियस मार्केट के लिए और हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात है अगर वो इनमें से कोई आइटम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि वो अब ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनके लोकल कस्टमर्स को ये आइटम अब और सस्ता पड़ेगा। तो उन आइटम्स की डिटेल मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली में होता ये है कि जब कोई दो कंट्री अपने ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को अपने क्या कहते हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए जब कोई एग्रीमेंट करती हैं तो उसे कहते हैं बेसिकली ट्रेड एग्रीमेंट। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो एक दूसरे के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए आपस में किया जाता है, जैसे कि इंडिया का जापान के साथ है, इंडिया का आशियान कंट्रीज़ के साथ है, इंडिया का आफ्टा के अंडर जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के साथ है, बांग्लादेश और थाईलैंड मलेशिया वियतनाम के साथ है। तो ये बेसिकली ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे के मार्केट को ज़्यादा एक्सेस मिले इस वजह से ये FTA एक्चुअली में लाया जाता है। और ये जो FTA है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव होता है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। तो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगर मैं बहुत ही छोटे वर्ड में बताऊँ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली आप इंक्लूड कर सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और FDI को। अब जब हमारा और मॉरिशियस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स मॉरिशिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंडिया से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्वायर करने के लिए अगर आप कोई वहाँ पे सेटअप करते हैं, कोई फर्म सेटअप करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो उसमें भी आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, उसमें भी आपको इजीली सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। प्लस अगर आप वहाँ पे किसी कंट्री पे किसी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई आप हमारे इंडिया से कोई ऐसी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई वो मॉरिशस की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो भी ईजिली हो जाएगा। तो ये मेन तीन फ्रंट होते हैं किसी भी फॉरन ट्रेड एग्रीमेंट के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, जिसमें कि इम्पोर्ट ड्यूटी का कम हो जाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ईजिली मिल जाना और FDI को बढ़ावा देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया का इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि आशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, आपका आफ्टा के अंदर जो कंट्रीज़ आती है उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। बट एक्चुअली क्या है कि आशियन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंडर हमें कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट होता है, वहाँ की कंट्रीज से जो इम्पोर्टेड आइटम्स आती हैं उसके मुकाबले में हम जो उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही कम होता है। बट मॉरिशस के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। मॉरिशस के केस में हम ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये हो गया वहाँ से जितनी इंपोर्ट आती है हमारे यहाँ पे उससे ज़्यादा वैल्यू की आइटम हमारे यहाँ से मॉरिशस को एक्सपोर्ट की जाती है। तो इसीलिए बहुत हम एक पोजीशन पे हैं जिससे कि हम उनके मार्केट को और लार्ज मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमारे एक्सपोर्टर्स हम अब ज़्यादा क्वांटिटी में अपने आइटम्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे आइटम्स पहुँच रहे थे अब उससे भी सस्ते दामों पे वहाँ पे पहुँचेंगे उनके एंड कस्टमर्स तक। तो इंडिया की तरफ से अराउंड 310 एक्सपोर्ट आइटम्स को कवर किया गया है, इंक्लूडिंग फूड स्टफ बेवरेजेस के अंदर अराउंड 80 आइटम्स आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अराउंड 25 प्रोडक्ट्स आते हैं, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स के अंदर भी 27 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, बेस मेटल और मेटल से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उसके अंदर अराउंड 32 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अराउंड 13 आइटम्स है, प्लास्टिक एंड केमिकल्स में अराउंड 20 आइटम्स है, वुड एंड वुडन आर्टिकल्स में अराउंड 15 आइटम्स है। ये सारे मिला के अराउंड 310 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिसको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंक्लूड किया गया है फ्रॉम इंडिया। इन सारे आइटम्स को अब इंडिया मॉरिशियस को एक्सपोर्ट कर पाएगा एट अ चीपर प्राइस क्योंकि वहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी इन प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी लगती थी वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया को ही फायदा होने वाला है, इस ट्रेड एग्रीमेंट में मॉरिशियस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि उनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको भी हमारे इंडिया के ह्यूज मार्केट का अब एक्सेस मिलेगा एट अ वेरी चीपर रेट। अब हम जो वहाँ से जो फ्रोजन फिश आती थी ना अब वहाँ उन फ्रोजन फिश को भी हम एंजॉय कर पाएंगे एट अ चीपर प्राइस क्योंकि उस प्रोडक्ट पे भी इंडिया अब इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वाला है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर। मॉरिशस से जो आइटम आने वाले हैं वो एक्चुअल में थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि अराउंड 615 प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक भी है क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में हैं तो हम उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट अलाउ कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस में रहते हैं तो इससे ज़्यादा हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मॉरिशस जो है इंडिया को अब चीपर प्राइस पे चीपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ के साथ एक्सपोर्ट कर पाएगा वो है आपका फ्रोजन फिश, शुगर, बिस्किट, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, मिनरल,
जूसेस, मिनरल वाटर, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोप्स, बैग्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड अपेरल्स, ये सारे आइटम्स हैं बेसिकली। इसके अंदर बहुत सारे सब आइटम्स होते हैं, इन सब सारे आइटम्स और सब आइटम्स को मिला के अराउंड 610 ऐसे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है बाई मॉरिशस गवर्नमेंट, जो अब वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के साथ। तो इसी तरीके से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस बार ही काम करने वाला है, और इन सब में से आप अगर कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करते हैं तो आप यू नो मॉरिशस में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वहाँ के कस्टमर्स आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया के आइटम्स को ख़रीदना, क्योंकि अब वो उनको पहले से भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये था पूरा वीडियो फॉरन ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो मॉरिशस ने इंडिया के साथ साइन किया है, जो कि अपना तरह का पहला हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ साइन किया है। और यही था पूरा का पूरा वीडियो। तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं इसी तरह के वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा।